तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट पर। और भाई आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूं जो आसाम प्रीमियर क्लब T20 चैंपियनशिप स्टार्ट होने वाली है, जिसका भाई पहला मैच आज ही खेला जाएगा दोपहर को 12:30 पर। तो भाई इस मैच की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यानी कि पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। साथ ही साथ बता दूं भाई यहाँ पर देखो जो ये मैच है ना, इसमें एक एक प्लेयर के स्टैट्स आपके लिए निकाल कर लेके आए, और भाई काफी सारे प्लेयर्स ऐसे हैं कि अगर आप देखोगे ना तो भाई काफी कम सिलेक्शन परसेंटेज है, और भाई मतलब उनकी अगर आप उनके स्टेट्स देखोगे ना तो आप सच में खुद ही यहां पर अंदाजा लगा लोगे कि आपकी मतलब कितनी तगड़ी विनिंग इस मैच में होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक देख लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी जो हम बात करेंगे ना, वो सिर्फ एक डेमो टीम होने वाली इस मैच की, लेकिन जो फुल एंड फाइनल टीम है वो मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा। तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए भाई आपको डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से जाना है, या फिर आप यहां से सर्च कर सकते हो केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट, लेकिन सारे कैपिटल लेटर्स में और बिना स्पेस के सर्च करने। आप देख सकते हो 5485 अभी हमारे टेलीग्राम चैनल पर मतलब फैमिली हमारी कंप्लीट हो चुकी है 5.4K की। तो जल्दी से आप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए भाई अब बात करते हैं मैच के बारे में, स्टेट्स के बारे में। तो यहाँ पर भाई पहला मैच खेला जाएगा यहाँ पर रेडियल क्लब वर्सेज जेनिथ सीसी के बीच में। डेट एंड टाइमिंग की बात करें तो भाई आज ये मैच खेला जाना है, और भाई आज ये मैच खेला जाएगा दोपहर को 12:30 पर। वेन्यू की बात करें तो भाई अमीगांव क्रिकेट ग्राउंड गुवाहाटी का मैच होने वाला, जहां पर भाई अभी बायजूस की जो वुमेन्स की T20 सीरीज चल रही थी वो खेली जा रही थी। और भाई अगर उस सीरीज के रिकॉर्ड्स की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हो 20 मैच खेले गए थे, 13 मैच बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने विन किए थे, और 6 मैच बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने विन किए थे। तो यहां पर भाई टॉस का रोल काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, हालांकि वो वुमेन्स के मैच थे, मेन्स के मैच है, तो यहां पर कुछ डिफरेंस भी आ सकता है, लेकिन फिर भी भाई हम अभी जो क्योंकि ये बिल्कुल रिसेंट स्टेट्स है, फाइनल मैच कल ही खेला गया था, तो भाई यहां से अंदाजा लगा सकते हैं थोड़ा बहुत तो कि मतलब टॉस का रोल है ना वो या तो भाई न्यूट्रल रहेगा या फिर फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम के फेवर में रहेगा। ठीक है, एवरेज स्कोर की बात करें तो 147-160 के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा। पिच की बात करें तो न्यूट्रल विकेट है, बैटिंग बॉलिंग दोनों के लिए इक्वली हेल्प होने वाली। यहाँ पर जो मतलब जो गेंदबाज है ना वो थोड़े से हैवी रहेंगे, पता क्यों? क्योंकि पिच काफ़ी ज़्यादा स्लो हो गई है, और इस वजह से भाई जो मतलब बॉलर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा अपर एंड यहाँ पर होने वाला है। वेदर की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हो क्लियर रहेगा, बारिश वारिश के चांसेज बिल्कुल भी नहीं लग रहे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ टेलीग्राम चैनल आपको कैसे ज्वाइन करना, क्योंकि देखो फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी, साथ ही साथ दोनों टीम्स की प्लेइंग 11, क्या इनका बैटिंग ऑर्डर रहेगा, एक प्लेयर के बारे में, जो प्लेयर यहां पर मतलब मैं आपको बता रहा हूं अगर इनके अलावा कोई प्लेयर खेलता है तो उनके स्टैट्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाऊंगा। तो टेलीग्राम चैनल तो भाई आपको ज्वाइन करना ही करना है। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं ज्वाइन आप कैसे करोगे। एक तो भाई डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से आपको ज्वाइन कर सकते हो, वही अगर बात करें दूसरा तो @KPMFantasyExpert सारे कैपिटल लेटर्स में बिना स्पेस के आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल सर्च करके। ठीक है, 5.4K की फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, अगर आपका साथ रहा तो जल्दी भाई हम और आगे भी जाने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपको लगातार जैकपॉट विनिंग करनी है तो भाई फैमिली का पार्ट बन जाइए। यहाँ पर अगर बात करें रेडियल क्लब के जो प्लेयर्स हैं उनके स्टेट्स की, तो आप देख सकते हो जो अर्नब बोरा है भाई, आप देख सकते हो 25 मैच में ऑलमोस्ट 700 रन और 18 विकेट है, यानी कि काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा आपके लिए। वहीं अगर बात करें देवाजीत बरुआ की, तो आपके सामने यहाँ पर 23 मैच में 514 रन है भाई, सिर्फ 23 मैच में 514 रन और 3 विकेट भी निकाल रखे। ठीक है, वहीं अगर बात करें निक दास की, तो 14 मैच में 258 रन है, इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा और विकेट लेस अभी तक रहा है। वहीं अगर बात करें नीलिम निराज बोरा की, तो इन्हें आप जीएल मिनी जीएल में ट्राई करना, 10 मैच में 26 रन है, विकेट अभी मिला नहीं है। वहीं अगर बात करें यहाँ पर आप देखो निभाजीत घोष को, तो यहाँ पर आप देखो आपको दिखेंगे 15 मैच में 364 रन, यानी कि जैकपॉट परफॉर्मेंस बंदा दे रहा है और विकेट कीपिंग भी कर रहा है, तो विकेट कीपिंग से पॉइंट दे सकता है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर ऐसे रहने वाला है। भाई अगर बात करें प्रियांशु दत्ता की, तो 15 मैच में 359 रन इन्होंने बनाए और ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा। राज बोरा की बात करें तो भाई बिल्कुल लोअर मिडिल ऑर्डर में खेलेगा, और भाई इस कंडीशन में यहाँ पर बैटिंग के चांसेस काफी कम रहते हैं, और यही भाई रीजन है कि 186 रन बनाए, लेकिन ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना जानता है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा। वहीं अगर बात करें शुभन पोल की, तो आप देख सकते हो 25 मैच में ऑलमोस्ट 300 रन है और 7 विकेट भी निकाल रखे हैं। इसके अलावा अगर बात करें
किसकी भाई, आसिफ वसीम उल हक की तो आप देख सकते हो 64 मैच में ऑलमोस्ट 1200 रन और भाई 26 विकेट भी निकाल रखे हैं। इसके अलावा फाल्गु प्रतिम बोरा की बात करें तो 6 मैच में 4 विकेट है, 33 रन भी बना रखे हैं। इसके अलावा जो मृन्मोय दत्ता है इनकी अगर बात करें तो आप देख सकते हैं 26 मैच में 279 रन और भाई 35 विकेट भी निकाल रखे हैं। इसके अलावा भाई आप बात करते हैं जेनिथ सीसी के प्लेयर्स के स्टेट्स की, लेकिन यहाँ से आपके लिए अगर इंपॉर्टेंट प्लेयर मार्क करें तो भाई एक बार मैं आपको इंपॉर्टेंट प्लेयर मार्क करके बता देता हूँ। तो यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेंगे अर्नब बोरा, इसके बाद भाई देबाजीत बरुआ को आप ट्राई कर सकते हो, निक दास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, नीचे अगर आप आओगे तो भाई इन दोनों में से आप किसी एक को ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा भाई आप चाहो तो यहाँ से आसिफ वसीम उल हक हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे और मृन्मोय दत्ता हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे 3, 2, 5, 2, 7 इन दोनों में से कोई एक यानी कि 6 प्लेयर आप यहाँ से लेके चल सकते हो, ठीक है। जेनिथ सीसी की बात करें तो यहाँ पर भाई अहर अली को आप देख सकते हो, 13 मैच में 159 रन, 14 विकेट, एक बेहतरीन ऑलराउंडर आपको ऐसे नजर आ रहा होगा, मेरे हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके लिए रहेगा। सद्दाम हुसैन की बात करें तो भाई 33 मैच में 47 विकेट आपके लिए और एक इंपॉर्टेंट प्लेयर, इसको भी आप ट्राई कर सकते हो। वही अगर बात करें जोगेश शर्मा की तो भाई आप देख सकते हैं यहाँ पर 33 मैच में 22 विकेट और 621 रन है, तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर के तौर पर आप इसे अपनी टीम में शामिल कर सकते हो। मोहिबुल हक की बात करें तो भाई 18 मैच में 28 विकेट है, ये भी आपके लिए काफी अच्छा इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा। वही अगर बात करें राजीबुल हक की तो 11 मैच में 201 रन है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्लेयर रहेगा और टॉप ऑर्डर में भी खेल सकता है, तो आप इसको जरूर से ट्राई करके चल सकते हो। मौसम राबा की बात करें तो जीएल मिनी जीएल में ट्राई कर लेना, स्मॉल लीग में एक डिफरेंशियल पिक के तौर पर आप लेके जा सकते हो। 8 मैच में 64 रन और भाई 4 विकेट भी है। राजा दास की बात करें तो 7 मैच में 47 रन है और भाई विकेटलेस गया अभी, आप इसे जीएल मिनी जीएल में ट्राई करना, ठीक है। इसके अलावा हरी हजारिका की बात करें तो 24 मैच में 18 विकेट और भाई 200 से ज़्यादा रन है, तो ये भी आपके लिए ठीक ठाक प्लेयर रहेगा। बीजू कार की बात करें तो भाई 14 मैच में 20 विकेट है, इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके लिए रहने वाला है। इसके अलावा बुलबुल हसन की बात करें तो 96 मैच में 1500 रन और भाई 28 विकेट भी निकाल रखे हैं। इसके अलावा अगर बात करें देवराज श्रेष्ठा की तो आप देख सकते हो 28 मैच में 27 विकेट है, 372 रन भी बना रखे हैं, एक इंपॉर्टेंट प्लेयर यहाँ से आपके लिए होने वाला है। इसके अलावा गोलाम रब्बानी की बात करें तो आप देख सकते हो 27 मैच में ऑलमोस्ट 300 रन और 19 विकेट भी निकाल रखे हैं, तो ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाला है। अब देखिए यहां से अगर आपके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है वो अगर मार्क करूं मैं, तो यहां पर आप किसको ट्राई करोगे, अहर अली को ट्राई करोगे, सदम हुसैन को आप अपनी टीम में लेके जा सकते हो, जोगेश शर्मा को लेके जा सकते हो, मोहिबुल हक, चारों आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। फिर आप नीचे आ जाओ, यहां से जो हीरा का जारी का, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इससे नीचे अगर आप आओगे तो बीजू कौर को आप ट्राई कर सकते हो, और इसके अलावा भाई अगर बात करें तो ऐसे आपके लिए बुलबुल हसन इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। अब चलिए भाई बात करते हैं डेमो टीम की, लेकिन उससे पहले अगेन मेरे भाई मैं आपको याद दिला दूं टेलीग्राम चैनल आपके लिए ज्वाइन करना काफी ज्यादा जरूरी है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल आप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब यहां से भाई एक बार मैं आपको डेमो टीम बना के दे देता हूं। तो विकेट कीपिंग सेक्शन की बात करें तो भाई आप एन घोष को ट्राई कर सकते हो, नवाजीत घोष को, या फिर भाई आप राजीबुल हक को ट्राई कर सकते हो। प्लेयर दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों के स्टेट्स में एक बार आपको दोबारा से दिखा देता हूं। तो यहां से भाई राजीबुल हक के आप देख सकते हो 11 मैच में 201 रन है, और ऊपर अगर बात करेंगे जो निवाजित घोष है, निवाजित घोष की बात करें तो 15 मैच में 364 रन है, ठीक है। दोनों में से किसी को भी आप ट्राई कर सकते हो। अभी के लिए भाई मैं ऐसे निवाजित घोष के साथ जाऊँगा बार बार यार। तो यहाँ से भाई निवाजित घोष को मैं अभी के लिए अपनी टीम में रख रहा हूँ। यहाँ से अगर बात करें तो आप देवाजीत बरू हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसके अलावा आपसे अगर बात करें तो परमजीत बोरा को मैं ट्राई नहीं कर रहा हूँ। इसके अलावा जोगेश शर्मा हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे, बॉलिंग से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर है, कुलदीप दास को मैं ट्राई नहीं करूँगा। इसके अलावा अगर बात करें अहर अली की तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे, हमारी टीम में ज़रूर रहेंगे। इसके अलावा भाई राजा दास को मैं अपनी टीम में नहीं ट्राई कर रहा हूँ, और अगर आप चाहो तो यहाँ से भाई अर्नब बोरा को आप ट्राई कर सकते हैं, एक इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके लिए रहने वाले हैं। वहीं अगर बात करें तो निक दास को आप अपनी टीम में लेके जा सकते हो। अब इनके ये देखो 1-1% सेलेक्शन है इनका, और भाई कितने इंपॉर्टेंट प्लेयर है। यहाँ पर मृन्मोय दत्ता ही बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है, बुलबुल हसन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है, वसीम उल हक भी आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर है। यहाँ से तीनों प्लेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके अलावा भाई यहाँ से और किसी को यहाँ से अगर बात करें नीचे से देवराज श्रेष्ठा, या फिर भाई आप बीजू कैर, इन दोनों में से किसी एक को ट्राई कर सकते हो। अभी के लिए मैं बीजू कैर के साथ जा रहा हूँ। बाकी अगर
आप चाहो तो आप यहाँ पर भाई देवाजी श्रेष्ठा के साथ भी जा सकते हो, ठीक है। बात करें अगर बॉलिंग सेक्शन, सद्दम हुसैन इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके अलावा यहाँ से अगर बात करें तो विशाल दास को मैं अपनी टीम में ट्राई नहीं करूंगा। यहाँ से अगर बात करें तो मोहिबुल हक हमारी टीम में रहेंगे। यहाँ से बी बरुआ की बात करें तो विचित्रा बरुआ को मैं अपनी टीम में ट्राई नहीं करने वाला। इसके अलावा थोड़ा अगर हम नीचे चलेंगे तो यहाँ पर भाई आपको आर बरुआ दिखेंगे, ऋतुराज बरुआ, इनको भी भाई मैं अभी के लिए नहीं ट्राई करूंगा। यार प्लेयर था काफी का, हाँ ये रहा भाई इराक ज्योति हजारिका, इराक ज्योति हजारिका को मैं अपनी टीम में लेके चल रहा हूँ, या फिर आप यहाँ से ट्राई कर सकते हो अर्पण दत्ता को, ठीक है। तो ये भाई अभी के लिए हमारी टीम होने वाली है। अब यहाँ से सीवीसी की अगर बात करें तो कैप्टन भाई आप ए वसीमुल हक को बना सकते हो, और वीसी भाई आप यहाँ पर बुलबुल हसन को बना सकते हो, या फिर आप एम दत्ता को बना सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए मैं बुलबुल हसन के साथ जा रहा हूँ। बाकी फाइनल सीवीसी और फाइनल टीम मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर बता दूंगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। अभी आप इस टीम के साथ अपने कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना स्टार्ट कर सकते हो। बाकी फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।